आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं प्ले स्टोर से कोई भी गेम डाउनलोड नहीं हो रहा है तो प्ले स्टोर से कोई भी गेम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान मैं बताऊंगी। प्ले स्टोर से कोई भी गेम को डाउनलोड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस हमारे इस वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखते रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए, गेम को डाउनलोड करने के लिए अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च करके देखने को मिल जाएगा, जस्ट आपको सर्च पे क्लिक करना है। आप कोई भी यहाँ से गेम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में कोई भी गेम डाउनलोड नहीं हो रहा तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ से हम लोग बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपके मोबाइल में जो सेटिंग हुआ है, जस्ट आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपके पास देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऐप की सेटिंग देखने को मिल जाएगा, जस्ट हम ऐप पे क्लिक करेंगे। ऐप नहीं मिलता है तो ऐप मैनेजमेंट मिलेगा, ऐप मैनेजमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी आपके फ़ोन में ऐप होगा सभी ऐप देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे प्ले स्टोर अपना ओपन कर लेना है, खुद ढूंढ लेना है। खुलने के बाद यहाँ पे जस्ट प्ले, एक मिनट, जस्ट अपना यहाँ प्ले स्टोर खोल लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं प्ले स्टोर यहाँ पे देखने को मिल जाता होगा। जैसे हम प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टोरेज यूजर्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लियर डेटा पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे, उसके बाद क्लियर कैप्चा पे क्लिक करके उसको भी डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद बैक कर देंगे। अगर आपको ये सेटिंग खोजने पर नहीं मिल पा रहा है तो आसान तरीका ये है कि जस्ट अपना प्ले स्टोर ऐप को 2 सेकंड के लिए यहाँ पर दबाए रखना है। दबाए रखने के बाद एक आइकन देखने को यहाँ पर मिल जाता है, या ऐप इन्फो लिखा होगा, उस पर लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टोरेज यूजर्स पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अपना प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। प्ले स्टोर ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका प्ले स्टोर होगा ऐप ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो भी ईमेल आईडी मांगा जाएगा ईमेल आईडी डाल देना है। डालने के बाद जस्ट अपना यहाँ प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ सर्च पर क्लिक करना है, जैसे फ्री फायर FREE, फ्री फायर। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं फ्री फायर मैक्स आ चुका है। उसके बाद डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप वाईफाई से डाउनलोड कर सकते हैं तो वाईफाई से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से कोई भी गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।